नाम अभिषेक श्रीवास्तव और वापस स्वागत है आपका अन अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के बारे में। ओके सो गाइस, मैंने कल भी हमने डिस्कशन किया था और कल हमने एक पॉलिटिकल टॉपिक जो है टेकअप किया था। हम जो है एक पॉलिटिकल करंट डेवलपमेंट की बात कर रहे थे और उसमें जो है एक क्विज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। काफी लोग आप पूछ भी रहे थे क्विज के बारे में, तो एंड में वापस क्विज का डिस्कशन करेंगे कि हाँ क्विज आप कैसे जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, उसका डिस्कशन एंड में करेंगे। बट अभी थोड़ा सा बात करते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के बारे में। और यहाँ से जो है क्या है कि वुमेन, रोल ऑफ वुमेन पे थोड़ा सा जो है ये कोर्स है और ये जो लेसन है बेसिकली, यहाँ से क्या है कि थोड़ा फ्रिंज टॉपिक और सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय बेसिकली इनका जन्म 1903 का है और 1988 में इनकी डेथ हुई है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कहीं ऑप्शन में अगर मान लो ऐसा टाइम है जो 1903 से पहले का है, दैट मींस कि कमला देवी उस समय नहीं रही होगी, या 1910 का भी होगा। ऑफकोर्स स्वदेशी मूवमेंट में कमला देवी जी का हाथ नहीं रहा होगा ना, 2 साल की रही होगी। तो ये थोड़ा सा जो हैक है कि हाँ इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली जो कमला देवी जी को जाना जाता है, तो एक तो उनका फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान रहा है, साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर में भी योगदान रहा है। ठीक है, तो दो एस्पेक्ट इनके बड़े रहे हैं और इसीलिए एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाती है। ओके, ज्यादा लोग नहीं जानते कमला देवी जी को, तो थोड़ा सा बात करते हैं। तो आर्ट एंथुसियास्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एक्टिंग करी है, इनकी मूवीज भी हैं। ओके, यूथ लीडर, फॉरवर्ड थिंकर, बहुत सारी चीज इनके नाम के साथ एसोसिएटेड है। ओके, तो इनकी जो इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो इनका जो विवाह हुआ था, शादी हुई थी इनकी 14 साल की उम्र में, तो समय कॉमन होता था, बट 2 साल बाद ही जो है वो तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई 2 साल बाद ही। पॉलिटिकल करियर बना पाना, ठीक है, उसके बाद ये जो मुकाम है ये अचीव कर पाना, ये थोड़ा बहुत जो है सरप्राइजिंग है, राइट। तो उनकी दोस्ती हुई, मतलब उनकी विडो होने के बाद उनकी दोस्ती हुई सुहासिनी चट्टोपाध्याय से, जो सरोजिनी नायडू की जो है सिस्टर लगती है। ओके, तो उसके बाद एक सरोजिनी, ये जो सुहासिनी उपाध्याय जो है, चट्टोपाध्याय जो है, उनके एक भाई है हरिंद्रनाथ जी से इनकी दोस्ती हुई, कमला देवी जी की दोस्ती हुई, और इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा आर्ट की तरफ जो है अपना रुझान शुरू किया। दोनों लोग साथ में थिएटर वगैरह करने लगे, तो आर्ट की तरफ जो उनका जो साइड था, जो आस्पेक्ट था, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा। ओके, साथ ही साथ इसके साथ साथ उन्होंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी, उनके जो फादर इन लॉ थे उनका भी अच्छा खासा सपोर्ट था, तो एजुकेशन भी कंटिन्यू रही। तो बात करते पॉलिटिकल स्ट्रगल की, पॉलिटिकल करियर की, कि हाँ पर्सनल लाइफ इस तरह की थी, उसके बावजूद पॉलिटिकल करियर ऐसा जो ग्रो हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो 1927 में, 1927 यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से थोड़ा पहले, या ये कह लो साइमन कमीशन आने वाला था, उसके पहले की बातें हैं, तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और यहाँ से इनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ। तो काफी एक्टिवली जो है हमारे इस जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें ये पार्टिसिपेट करने लगी। तो कहा जाता है कि जो है जो कॉन्ट्राबैंड सॉल्ट बेचा जा रहा था, मतलब जो नमक कानून तोड़ा गया, नमक कानून तोड़ने में जो पहली महिला गिरफ्तार हुई है वो कमला देवी जी। इसके साथ साथ ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो वो भी पहली महिला जो है कमला देवी जी है। तो ये कुछ जो है इनके साथ पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, ये इसके साथ जो है आपको MCQ बना के पूछा जा सकता है। ओके, ऑल्सो जब संविधान पे जो साइन हुए हैं जिन लोगों के, उन कुछ लोगों में एक नाम कमला देवी जी का भी है, उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन भी किया हुआ फाइनली। ओके, तो इनके साथ एक और नाम उभर के आता है, वो है सेवा दल। तो सेवा दल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, अभी फ्रिंज टॉपिक है और जो है यहाँ से सवाल पूछा। अच्छा, वर्ल्ड आते हैं, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम यानी 1939 के बाद जो है ये इन्होंने काफी वर्ल्ड टूर किए, ये US भी गई, वहां पे भी जो लीडर्स थे उनके साथ इनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उनको कन्विंस करने की कोशिश करी कि क्यों ब्रिटेन रूल इंडिया में एंड होना चाहिए, क्यों जो सारे जो देश हैं, जो सारा जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसको क्यों जो है सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को अपनी फ्रीडम स्ट्रगल में। तो उसमें भी इनका योगदान रहा और इनका मानना था कि आप चाहे सिविल राइट्स की बात कर लो, चाहे आप एनवायरमेंटल जस्टिस की बात कर लो, रिलीजियस फ्रीडम की बात कर लो, या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात कर लो, ये सारे पॉइंट इंटरकनेक्टेड, ठीक है, ये सारे मुद्दे जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये अलग अलग नहीं है। ओके, इनको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, इनको आपको कनेक्शन में देखना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ एक तो ये सारी बातें, इसके साथ साथ फेमिनिज्म जो था, फेमिनिज्म उस समय कॉन्सेप्ट नहीं था,
ठीक है, कोई फेमिनिज्म नहीं जानता था, फेमिनिज्म के बारे में बात नहीं होती, कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया ही नहीं था उस दौर में। आप ये कह सकते हो कि फेमिनिज्म की जो है बहुत इन्होंने फैलाया, उस डायरेक्शन में बात करी, फेमिनिज्म के डायरेक्शन में बात करी, जबकि उस तरह का माहौल भी नहीं था। ओके, बात करते हैं सेवा दल की। सेवा दल बेसिकली कांग्रेस का एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ग्रास रूट लेवल पे गांव में जो है जो रूरल एरिया है वहां पे, उस जगह पे जाके ये लोग काम करते थे। तो जब ग्रास रूट लेवल बना था, मतलब ये जो सेवा दल बना था, तो उस समय इसका जो नाम रखा गया था वो था हिंदुस्तानी सेवा मंडल। ये 1924 में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, तो एक काकीनाडा रेजोल्यूशन के तहत ये जो कांग्रेस की वर्किंग कमिटी होती थी, वही जो है सेवा दल की भी, सेवा दल का भी ध्यान रखती थी। और पहले प्रेसिडेंट इसके जो बने थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, राइट। तो जब ये सेवा दल आया तो कांग्रेस के कई सारे कांग्रेसमैन ऐसे थे, कई सारे लीडर ऐसे थे जो इसके सपोर्ट में नहीं थे। उनका कहना था कि ये जो एक है काइंड ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो सकती है, ठीक है, ये काइंड ऑफ मिलिशिया है ऑर्गेनाइज, हम जो है नॉन वायलेंस के सपोर्टर हैं, हम बात करते हैं अहिंसा की, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन होना जो कि लोगों को यूनाइट कर रहा है, ग्रास रूट लेवल पे बात कर रहा है और जिसका एजेंडा उतना ज्यादा क्लियर नहीं है, ये थोड़ा सा जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। तो बहुत सारे हमारे कांग्रेसमैन ने इसको सपोर्ट नहीं किया, बट फाइनली जो है ये चला। ओके, और कमला देवी जी भी इसके साथ काफी क्लोजली एसोसिएटेड थी। ओके, 1931 में कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने इसका नाम चेंज कर दिया, कांग्रेस सेवा दल कर दिया, और अब जो है ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हो गई। जो भी लोग इसके बारे में जो है इसके साथ काम करना चाहते थे, जिनकी भी आइडियोलॉजी इसके साथ मैच होती थी, वो सब लोग वॉलंटरी इसको ज्वाइन कर सकते थे और इसका पार्ट बन सकते थे। ओके, ये जो सेवा दल है बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सेवा दल का बहुत बेहतरीन रोल रहा है, बहुत ज्यादा। आप ये कह सकते हो कि गांधी जी मार्क्सिस्ट तक पहुंचे जो हैं कांग्रेस द्वारा, तो कांग्रेस का नेटवर्क जो ग्रास रूट लेवल था, तो ये ग्रास रूट लेवल क्यों था, इस सेवा दल की वजह से था। तो वहां मतलब एक बड़ा रोल, मतलब ये नहीं कहूंगा कि मैं 100%, लेकिन हाँ एक बड़ा रोल जो है इस सेवा दल ने प्ले किया कि काफी लोगों को ग्रास रूट लेवल मासेस में, रूरल मासेस तक गांधी जी का मैसेज पहुंच पा रहा था, बिकॉज ये सेवा दल एग्जिस्ट करता था। ओके, तो जब 1934 में बाकी सब बैन हटा दिए गए, ओके, 1932 में सेवा दल पे अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था। ओके, तो 1934 में, मतलब आप इस बात की गरिमा समझो कि 1934 में जब सारी ऑर्गेनाइजेशन से बैन हटाए गए, तब सेवा दल से बैन नहीं हटाया गया, सेवा दल से बैन उस समय हटाया ही नहीं गया, ये सेवा दल पे बैन लगा ही रहा, इस हद तक जो है अंग्रेजों को भी खौफ था सेवा दल का। ओके, तो ये हमने बात करी कमला देवी जी के पॉलिटिकल कैरेक्टर के बारे में, पॉलिटिकल करियर के बारे में, और हमने बात करी सेवा दल के बारे में। अब थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर वाला जो आस्पेक्ट है कमला देवी जी का, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो इन्होंने जो है इंडिया में हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल, इन दोनों का ही जो है रिवाइवल किया है, इन दोनों को ही एक नई एनर्जी दी है। उसके साथ साथ इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलप किए हैं, एस्टैब्लिश करवाए हैं, जो कि इंडियन डांस, ड्रामा, आर्ट, पपेट्री, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट, इन सब को प्रोटेक्ट भी करेगा और प्रमोट भी करेगा। ओके, तो एक ये इनका रोल रहा। और मूवीज की बात करें थोड़ा सा, ओके, तो इनकी एक मूवी है तानसेन, जो कि केएल सहगल साहब जी के साथ, तो केएल सहगल साहब उनकी मूवी है तानसेन, उसमें खुर्शीद जी भी हैं, और उनकी और भी मूवीज हैं जैसे शंकर पार्वती, उनकी मूवी है धन्ना भगत। ओके, और जो उनका जो फिल्म करियर स्टार्ट हुआ था, तो कन्नड़ की एक साइलेंट फिल्म है, उसका नाम है मृच कटिका। मृच कटिका, उम्मीद करता हूँ कि आपने नाम सुना हुआ होगा, अगर आपने मेरे हिस्ट्री लेसन देखे हुए हैं तो मृच कटिका नाम कहीं ना कहीं आया होगा अपना। ओके, तो मृच कटिका आपको कमेंट बताना है कि ये किसने लिखी है, ओके, और किस एरा की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा जो है फेमिनिज्म जो कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था, उसमें उस जो है डायरेक्शन में उन्होंने बहुत काम किया है। ओके, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन भी उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाए हैं जो कि वुमेन की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने में इन्होंने बहुत जो है खासा महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो ये जो इनका पूरा करियर रहा है, तो 1955 में आकर इनको पद्म भूषण दिया गया, और 1987 में पद्म विभूषण दिया गया। 1966 में इनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप भी प्रोवाइड किया गया, इनको नवाजा गया उससे, और 1974 में इनको रत्न सदस्य दिया गया। रत्न सदस्य बेसिकली संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड है, और एक शांति निकेतन का अवार्ड है, वो है देसी कोटम्मा। ओके, तो यह है देसी कोटम्मा, मतलब देश की अम्मा ऐसा करके, मदर ऑफ नेशन ऐसा करके कुछ अवार्ड है। ओके, तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के जो है ये टॉप अवार्ड्स हैं जो इनको दिए गए।
तो काफी अवार्ड इनके साथ एसोसिएटेड है, पद्म भूषण रोमन मैक्सेस अवार्ड, रत्न सदस्य और देसी कोटम्बा। तो ये जो है काफी सारी बातें थी जो है इनके बारे में, ओके, कमलादेवी चट्टोपाध्याय के बारे में, और जो कि जो है अननोन रह जाती है, और यहाँ से जो सवाल बनता है तो थोड़ा सा जो है मुश्किलें पड़ जाती है। ठीक है, तो कल कुछ और डिस्कस करेंगे, आज के लिए हम यही इतना ही रख सकते हैं। ओके, हिंदू न्यूज पेपर आप पूछ रहे हो कि कैसे पढ़ना है, तो ठीक है मैं इस पर जो है एक अलग लाइव सेशन ले लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे कि हिंदू न्यूज पेपर किस तरह पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ओके, और रही बात क्विजेस की, क्योंकि कई आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा था कि क्विज आप कैसे अटेम्प्ट करें, तो अनअकैडमी पे जाएं, यूपीएससी गोल फॉलो करें। ठीक है, यूपीएससी गोल फॉलो करें, आपको 7:45 डेली मतलब 6:45 पे और 1:45 पे डेली नोटिफिकेशन आएगा, वो नोटिफिकेशन क्लिक करके आप डेली टेस्ट दे सकते हैं, लाइव टेस्ट दे सकते हैं। लाइव अगर आप टेस्ट देंगे तो आपको रैंकिंग भी मिलेगी, और अगर आप फर्स्ट आ गए तो आप कोई भी प्लस कोर्सेज जो है अनअकैडमी के आप उनको अटेंड कर सकते हैं, उनको फ्री आप जो है उनको उनमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा एक हिस्ट्री का भी कोर्स आने वाला है, आप हिस्ट्री के बारे में बोल रहे हो, तो मेरा एक हिस्ट्री का कोर्स आने वाला है नेक्स्ट मंथ 12th को। ओके, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं, उसमें मैं कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो और कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट करें, है ना, और फिर हम बात करेंगे। ठीक है, फिर वापस कल मुलाकात करते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉलिटी या फिर हिस्ट्री, दोनों में से किसी का भी डिस्कशन, या फिर कोई और टॉपिक अगर आप लोग चाहते हो तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, बाय।